आज ये वीडियो में मैं आप लोगों को इंडस बैटलग्राउंड के टॉप 5 न्यू अपडेट दिखाने वाला हूँ जो कि अभी अभी ही अपडेट में आए हैं। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को 15 अगस्त में कौन सी चीज़ें इंडस बैटलग्राउंड के अंदर देखने को मिलने वाली है ये भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आज का वीडियो काफ़ी खतरनाक, काफ़ी ओपी, काफ़ी फैंटास्टिक होने वाला है, तो स्किप करके मत ही देखना। जो नंबर 4 का अपडेट है ना, उसको देख करके तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, तो उसको देख के ही जाना। अभी आप लोग बिल्कुल इसी तरह जल्दी से प्ले स्टोर पर जाओ और जाकर के अपने इंडस बैटलग्राउंड को अपडेट को अगर नहीं किए हो तो। और फिलहाल चलो वीडियो को कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी UID में और ये रहा मेरा इंडस बैटलग्राउंड का UID। थोड़ा सा पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और काफ़ी जल्दी मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। चलते अपने अपडेट नंबर 1 पे जो कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली है एक ग्रज सिस्टम। हाँ, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्रज, और इस ग्रज के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा ग्रज टारगेट, ग्रज एग्जीक्यूटेड, ग्रज हंटर्स एंड ग्रज डिनाइड। अब ये ग्रज का मतलब होता क्या है मैं अभी आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोग है ना इंडस बैटलग्राउंड के बैटल रॉयल मोड खेल रहे हो, आपको कोई बंदा मार देता है और आप चाहते हो कि नेक्स्ट मैच में उसी बंदों को मैं मारूं, तो जाकर के इसी को हम लोग ग्रज सिस्टम बोलते हैं। या फिर उसी मैच में जब आप लोग रीस्पॉन हो जाओगे तो आपको वो बंदा दिखेगा कि कहाँ वो आपको मारा, आप लोग उतर करके जाकर के उससे 1v1 फाइट भी ले सकते हो। तो इसी मेथड को हम लोग ग्रज मेथड कहते हैं। तो आपको कई सारे ऑप्शंस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि ग्रज हंटर। आप देखो, आपको वो बंदा तो मार के चला गया, ठीक है, और रीस्पॉन होने के बाद या फिर नेक्स्ट मैच में अगर आप उसको मार देते हो, यानी कि आप उसको हंट कर लेते हो, तो ऐसे ही आप लोग को सिस्टम देखने को मिली है। अब देखो, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 15 अगस्त का कौन कौन सा इवेंट है, तो 15 अगस्त के दिन हम लोग को बैटल पास भी देखने को मिलेगी 9 बजे, तो कल का वीडियो तो मिस करना ही मत। चलते अपडेट नंबर 2 पे। अपडेट नंबर 2 यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली है मिथ वॉकर लीडर बोर्ड। देखो 15 अगस्त को 9 बजे तो हम लोग को बैटल पास के साथ साथ एक और नई चीज़ देखने को मिलने वाली है, और वो नई चीज़ होने वाली है लीडर बोर्ड, जो कि तुम लोग के डिस्प्ले पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे ग्रज डिनाइड भी तुम लोग को लीडर बोर्ड में देखने को मिलेगा, ग्रज रिसॉल्व भी देखने को मिलेगा, डेली अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, और इंटर स्टेट। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, अगर आप लोग 2 सीजन खेल रहे हो इंटर स्टेट वगैरह, तो आप लोग को यहाँ पे एक न्यू लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगी, न्यू बैटल पास भी देखने को मिलेगी। और बैटल पास कितना का होगा आपको पिछली वीडियो में पता है। अगर आप लोगों को बैटल पास का गिव अवे वगैरह चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो फ्यूचर की वीडियो के लिए। लाइव स्ट्रीम भी काफ़ी जल्दी आने वाला हूँ। चलते हैं अपडेट नंबर 3 पे जो कि एकदम खतरनाक है, और चौथा वाला अपडेट तो मिस करना ही मत। अपडेट नंबर 3 है, यहाँ पे हर बार की तरह और हर एक गेम की तरह BGMI और फ्री फायर की तरह आप लोगों को लकी स्पिन भी हमारे गेम के अंदर देखने को मिल चुकी है। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास क्रेडिट होगा, मतलब कि हम लोग इंडस बैटल रॉयल में इस वाले क्रेडिट को बोलते हैं दोस्तों डायमंड्स, आप लोग इसको डायमंड बोल सकते हो, जिम्स बोल सकते हो, लेकिन इंडस बैटल रॉयल के अनुसार हम लोग इसको क्रेडिट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्रेडिट के अनुसार आप लोग इमोट वगैरह खरीद सकते हो, इन गेम आप लोग जो आइटम्स है इक्विपमेंट से उसको खरीद सकते हो, और यहाँ पे एक और सेक्शन आपको देखने को मिलती है क्राफ्टर स्टोर। अगर आपके पास यहाँ पे ये ग्रीन वाला पॉइंट है ना, ग्रीन वाला कॉइन है ना, तो इससे आप लोग क्राफ्ट कर सकते हो, क्राफ्ट कर करके आप लोग इन गेम इक्विपमेंट और इन गेम आइटम्स ले सकते हो। अब चलते अपने अपडेट नंबर 4 पे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कह रहा था शुरू से। अपडेट नंबर 4 है मिथवा का यहाँ पे एक्सप्रेशन। हाँ, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हमारे गेम के अंदर एक्सप्रेशन देखने को मिलेगी और न्यू कैरेक्टर्स भी ऐड हुए हैं। अभी मैं आपको एक्सप्रेशन बाद में दिखाऊंगा, ये कैरेक्टर आप लोग देख लो। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे ले सकते हो बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग आ गए हैं एक्सप्रेशन वाले स्लॉट में, और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एक्सप्रेशन वाला स्लॉट जहाँ पे हम लोग को नाटो का इमोट देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, काफ़ी सारे इमोट को ऐड कर दिया गया है इंडस बैटल रॉयल गेम में। आप लोग को अगर ये इमोट भी फ्री में चाहिए ना, तो मैं आप लोगों को दूंगा, बट थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि कहावत है सब्र का फल होता है एकदम मीठा। तो मैं लाइव स्ट्रीम काफ़ी देर तक करने वाला हूँ, तो लाइव स्ट्रीम के लिए मेरे नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑल पे सेट करके रखो। और जी हाँ, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स पे जल्दी जाओ, कमेंट करो, और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक वहीं पे मिल जाएगा, तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन जल्दी कर लो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाकर के स्क्रीनशॉट मेरे को भेजेंगे कि भाई मेरे को ये वाला इमोट चाहिए, भाई मेरे को ये वाला कैरेक्टर चाहिए, तो उसको तो मैं अभी फिलहाल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में जरूर दे सकता हूँ। तो डिस्कॉर्ड सर्वर को जल्दी ज्वाइन कर लो, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पे हुसैन तेरा तौबा 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 आप लोगों को इमोट देखने को मिल रही है, और कल सुबह मैं आप लोगों को 10 बजे है ना एक शॉट दूंगा इसका, देख करके आप लोग हिल जाओगे, तो उसको तो मिस करना ही मत। और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी OP इमोट देखने को मिल रही है, देख सकते हो हमारे गेम के अंदर काफ़ी सारे इमोट को है ना ऐड कर दिया गया है, जिसको देख करके आप लोग हिल जाओगे। और इस डांसिंग स्टेप्स को देखो, वाह भाई वाह, मतलब कि गाइस एकदम खतरनाक चीज़ें हैं। अगर आप लोग भी अपना कुछ इमोट बना रहे हो ना, तो इंडस बैटलग्राउंड के डिस्कॉर्ड समय में भेजो, ताकि
डेवलपर्स तुम लोगों का इमोट भी गेम में ऐड कर सके, लेकिन उस वो अलग होना चाहिए, पूरी दुनिया से अलग होना चाहिए, अपना होना चाहिए और एकदम खतरनाक यूनिक होना चाहिए। अगर है तो रिकॉर्ड करके मेरे को भी भेज सकते हो मेरे ईमेल पे, जो कि लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ गाइज, यहाँ पे आप लोग को एकदम काफ़ी एकदम तगड़ी और एकदम लेटेस्ट एकदम खतरनाक इमोट आपको देखने को मिल गई है। और यहाँ पे एक हम वाली इमोट भी आपको देखने को मिलती है, और एक यहाँ पे आप लोग को इन माई हर्ट देखने को मिलती है, टी पॉज देखने को मिलती है, लोली इमोट बोले तो लाफिंग इमोट, अपने ग्रेना फ्री फायर के जैसा भी देखने को आपको ये लाफिंग इमोट मिल रही है, देख रहे हो ना लॉल इमोट, और एक नो का इमोट आपको देखने को मिल रही है, और फिर एक 15 अगस्त के शुभ अवसर पे सैल्यूट इमोट आप लोगों को देखने को मिल रही है। और हमारे बिहार में और हमारे इंडिया में एक कहावत है ठुल्लू, तो स्नेक पोज आपको ये इमोट ठुल्लू मार करके दिखा रहा है। अगर आप लोग को पता है ठुल्लू के बारे में तो नीचे कमेंट मारना, जो कि एक खतरनाक चीज़ लगती है। और यहाँ पे आई एम वॉचिंग यू वाला भी इमोट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देखने को भी मिल रहा है, एक्सप्रेशन में तो वही आप लोगों का इमोट वगैरह हो गया जो कि मैंने आपको दिखाया, जैसे कि ठुल्लू हो गया, जैसे कि सैल्यूट हो गया, ये सब इमोट्स के एक्सप्रेशन है बिल्कुल रियल लाइफ जैसा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को हमारे गेम के अंदर स्टिकर्स भी देखने को मिल रही है, और ये स्टिकर्स का पता नहीं ये गन पे लगेगा कहाँ लगेगा, ये तो मेरे को अभी तक पता नहीं चला है। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ पता है तो बताना, ये स्टिकर्स का क्या काम है आखिर, मेरे को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन स्टिकर देखने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और ये इंडियन तड़का वाला जो इमोट है एकदम तड़का की तरह लगता है, जो कि दाल से तड़का बनता है। अब हम लोग चलने वाले अपने अपडेट नंबर 5 पे, बट उससे पहले वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो एक लाइक कर दो, और अगर आप लोग को गिव अवे चाहिए तो 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, वो 3 स्टेप्स है, पहला वीडियो को लाइक करो, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करो, तीसरा वीडियो को शेयर करो। हम लोग आ गए हैं अपडेट नंबर 5 पे, और अपडेट नंबर 5 ये देख सकते हो अपना पीवी का लॉबी। अगर आप लोग को पीवी स्पोर्ट्स में आना है तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको बताऊंगा। अपडेट नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को इन गेम मैप में आप लोग को ग्लिच का सिस्टम देखने को मिल रहा है। देखो टारगेट आर येट टू बी रिवील्ड, ठीक है, अभी आपको टारगेट रिवील्ड होने वाला है, जब आप एक अपने अपोनेंट इनेमी को मारोगे तो टारगेट रिवील हो जाएगा, टारगेट दिखने लगेगा। और मेरा मकसद सिर्फ यही दिखाना नहीं था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अपना जो गेम का FPS है वो भी ठीक हो गया है, जो कि लो एंड डिवाइस के लिए सही चलेगा। आने वाले समय में अगर लो एंड डिवाइस मतलब एक दो दिन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग का फ़ोन लो एंड डिवाइस है, 2GB 4GB 6GB है, तो उसमें कितना अच्छा चल सकता है, वो अभी मैं आपको सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये देखो पिछले बैटल पास का जो बाइक का स्किन है ना, ये रहा, और मेरे सामने एक अपोनेंट इनेमी आ जाता है, मैं उसको मारूंगा, लेकिन मेरा जो दोस्त है ना पीछे से किल चुरा लेता है। ये गेम प्ले मैं आप लोग को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि गेम प्ले एकदम पूरा स्मूथ हो चुका है, FPS अच्छा हो चुका है, और एकदम डार्क क्वालिटी दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सो एक्सपीरियंस लग रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करना, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।